पत्थर की तरह से दिखाई देता है। तो स्प्लिनोमेगली, जिसमें स्प्लिन बढ़ जाती, पलिया बढ़ जाता, उसकी कुछ दवाइयां हैं। स्प्लिन बढ़ जाती है तो मर्क बिन आयोड 6x आप पानी में घोल करके, थोड़ी सी मात्रा 1 ग्रेन से नीचे आप लेप करके उसको पानी में घोलिए और बच्चे को दीजिए। उसके साथ में स्प्लिन बढ़ी और बुखार आता है, टक टक आता है, तो आप वो दीजिए। उससे स्प्लिनोमेगली, पलिया बढ़ने की, स्प्लिन बढ़ने की दवाइयाँ का, कुछ अच्छी अच्छी दवाई जैसे नाइट्रोम्यूर, सल्फर, आर्निका, आर्सनिक एल्बम, ये दवाइयाँ बहुत बेस्ट। हेपेटोस्प्लिनोमेगली, पलिया बढ़ने की, स्प्लिन बढ़ने की दवाइयाँ का, कुछ अच्छी अच्छी दवाई जैसे नाइट्रोम्यूर, सल्फर, आर्निका, आर्सनिक एल्बम, ये दवाइयाँ बहुत बेस्ट। नक्स, सिना और लाइकोपोडियम आर्निका के साथ में, सल्फर के साथ, नाइट्रोम्यूर के साथ दे सकते हैं। बहुत बेस्ट दवाइयाँ हैं। इनकी 30 मात्रा, 30 नंबर की या 6 नंबर की मात्रा लीजिए और वही 1 चम्मच पानी में डालिए। और उससे आप, छोटा बच्चा है तो ड्रॉपर से दीजिए, बड़ा है तो उसको 1 चम्मच पानी के 1 ड्रॉप डाल के दवाई का पिला सकते हैं आप।